टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। भारतीय किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर आज जनपद बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए जिला अध्यक्ष के पद पर अजहर गाजी को नियुक्ति देकर संगठन को विस्तृत करने का भार सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पहले संगठन को प्रदेश में विस्तृत किया जाएगा, उसके बाद नई योजनाओं के साथ किसानों के हित में हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। पवन ठाकुर का कहना है कि पुराने किसान संगठन किसानों की आवाज उठाते उठाते अपने सिद्धांतों से भटक जाते हैं। ऐसे में संगठनों की विचारधारा से अलग युवा वर्ग को साथ लेकर भारतीय किसान यूनियन किसानों की लड़ाई लड़ेगी। किस तरह की तैयारी? हमने फुर्जा में संगठन का विस्तार किया है, जिसमें अजहर गाजी को जिलाध्यक्ष बुलंदशहर बनाया गया है, क्योंकि आज देश के हालात वो चल रहे हैं, किसान विरोधी हालात हैं पूरे देश के, क्योंकि कभी बिल ला दिए जाते हैं किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए। इसी को रोकने के लिए हम पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिला बुलंदशहर में गाजी जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय किसान यूनियन के पहले ही कितने ग्रुप बने हुए हैं, गठन किया हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक और ग्रुप का गठन किया गया है? संगठन, आपको बताएं, जब भी कोई संगठन किसानों की लड़ाई लड़ता है, लास्ट में जाकर के वो सिद्धांतों से भटक जाता है। जब हमें सिद्धांत नहीं अच्छे लगे पुराने संगठनों के, हैं तो हमने कहा युवा सोच के साथ नए संगठन का गठन किया जाए, जिससे किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। तो किस तरह की तैयारी आपकी रहेगी? हमारी तैयारी पूरी लोकतांत्रिक तरीके से रहेगी। पहले संगठन का विस्तार करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध भी करेंगे। जो किसानों के लिए बिल बनाया गया था भारत सरकार की तरफ से, उसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा गया था, तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं इस किसान बिल को लेकर? हम लोगों ने भी विरोध किया था और बिल का विरोध करते रहेंगे। हमने मांग की है सरकार से बिल पे पुनः विचार किया जाए, बिल पे केवल एक पॉइंट और बढ़ा दें बिल में कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे भारत में के किसानों का एक भी दाना नहीं खरीदा जाएगा। यदि कोई व्यापारी बाहर MSP से नीचे एक भी अनाज का दाना खरीदता है तो उस पर तुरंत मुकदमा लिखा जाए, वो व्यापारी जेल जाए। अगर ये गारंटी भारत सरकार देती है, हैं तो बिल सही है, नहीं तो बिल बिल्कुल बेकार है। पवन ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी बिल को लेकर सरकार से हमारी मांग है कि सरकार MSP को सुनिश्चित करे, ताकि किसान का अन्न MSP से कम दामों में न खरीदा जाए, और यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। गौरतलब है कि आज संगठन को विस्तृत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे थे। इनके अलावा संगठन के राष्ट्रीय सचिव मनोज जादौन, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।